वाणी संत संग्रह भाग दूसरा मुझे स्वामी जी महाराज जी के सर परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। क्योंकि संत महात्मा उनका अवतार लेके आने का कारण मकसद एक ही है, हमारे ऐसे भूली हुई आत्माओं को रास्ते पे लगाना। कहते हैं भाई, एक जमाना ऐसा था कि ये सारी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की गोद में थी, ये सारी आत्माएं परमात्मा थी, लेकिन उस परमात्मा को कुछ इच्छा मौज उठा कि कुछ रचना किया जाए। उस परमात्मा ने क्या किया, अनामी पुरुष ने अपने अंदर से कला शक्ति प्रकट किया, आप नहीं आए, अपनी कला शक्ति प्रकट की और उस कला शक्ति को ऑर्डर दिया, जाओ कुछ देश का रचना करो। कला शक्ति का मतलब शब्द प्रकट किया और शब्द को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, जाओ कुछ देश का रचना करो। वो शब्द अनामी से उतर के अगम अलक और सतलो सचखंड का रचना करके सतपुरुष बन के बैठा। रचना काफी समय तक वहीं स्टॉप थी, फिर और भी परमात्मा का हुक्म आया, नहीं और रचना होना चाहिए। तो सतपुरुष ने क्या किया, अपने अंदर से 16 कला 16 शक्ति प्रकट किया, उनको ऑर्डर हुक्म दिया, जाओ कुछ लोक का रचना करो। वो 16 कलाएं सतलोक से नीचे उतर के एक एक मंडल का रचना करते हुए आप बैठते गए। इस तरह से 16 मंडल हमारे अंदर रचे गए, उसमें से कुछ दिन तक रचना वहीं स्टॉप थी। निरंजन को खुद का रचना करने की सूझी, फिर निरंजन ने क्या किया, कहते हैं 70 चौकड़ी जुग एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तपस्या किया। जब वो परमात्मा खुश हुए, भाई क्या चाहिए, हमें कुछ अलग रचना चाहिए, अलग रचना करना है, मुझे ये रचना प्रिय नहीं, मुझे अलग रचना करना है जिसपे मेरा अधिकार होवे। तो उन्होंने वो हुक्म दिया, जाओ तुम्हारा बड़ा भाई कुरुम है, उसके पास वो सामान है, उससे प्रार्थना करके मांग के ले लो। लेकिन वो निरंजन कठोर हृदय वाला, कुछ अलग स्वभाव वाला, वो जाकर के वो ध्यान बैठे थे कुरुम जी, और जबरदस्ती उसने उनका पेट फाड़ के सामान निकाला। फिर भी उन्होंने माफी किया कि भाई परमात्मा ने भेजा, पिता ने भेजा है, और वो सामान मसाला लाके सामान लाके ये 3 लोक रच दिए, अंड पिंड ब्रह्मांड। रचना तो हो गई, आत्मा के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं। तो फिर उसने तपस्या करके परमात्मा से जीव भंडार मांगा। कहते हैं कि जीव भंडारो, परमात्मा ने एक छोटा सा जीव भंडार काल को दिया जो महाशून्य के गर्भ में था, क्योंकि ये भी जीव को सुख देगा बोल के दिया। लेकिन काल ने क्या किया, उस जीव को वहां से लेके काल लाके और जीव भंडार देने के समय परमात्मा ने एक और कला शक्ति प्रकट किया, ज्योति। पहले निरंजन अकेला था और निरंजन से परमात्मा ने कहा, भाई तुम्हारे अकेले से रचना होने वाला नहीं, तो और एक कला शक्ति प्रकट किया ज्योति, और कहा कि तुम दोनों मिलके रचना करो। तो वो ज्योत और निरंजन दोनों वो जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे। तो निरंजन ने सारा प्लानिंग ज्योति को बताया, ज्योति यानी माया, आदि शक्ति माया। तो निरंजन ने सारा प्लानिंग ज्योति को बताया, इस तरह से तू रचना कर, लेकिन तुम मेरा भेद किसी को बताना नहीं। और सारा प्लानिंग बता के आप जाके श्वेत शून्य में ध्यान बैठ गया, अपने पिता के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में।
तो माया ने क्या किया, वो जीव भंडार लेकर के सहस दल कमल से नीचे उतरी और नीचे उतर के झंझरी द्वीप में बैठ के रचना स्टार्ट किया। तो पहले इन जीव भंडार में से तीन अंडा बनाया, तीन अंडे से तीन को निकाला, रजो तमो सत्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनको माया ने उत्पत्ति किया। अब ये तीन और माया चारों ने मिलके बाकी जीव भंडार में से 84 लाख शरीर तैयार कर दिए, खान तैयार कर दिए, जिसमें 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने बनाया, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े विष्णु ने बनाए, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव शक्ति ने बनाया, माया ने बनाए, 4 लाख प्रकार पिंड से पैदा होने, 9 महीने में पैदा होने वाले जीव ब्रह्मा ने बनाए। इस तरह से इन चारों ने मिलकर के 84 लाख खान तैयार कर दिया और इन जीवों को, आत्मा को उसके अंदर बंद कर दिया। और फिर पहले जीव को अपने पिछले जन्म की याद बनी रहती थी, इसीलिए कोई पाप कर्म नहीं करते थे, उसकी रचना टिकती नहीं थी। फिर दूसरी दफा उसने 64 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी बोलते हैं चार युग को, 64 चौकड़ी युग फिर तपस्या करके उसने उस परमात्मा से 3 वरदान मांगे। पहले तो जन्म को पिछले माने जीवों को पिछले जन्म की याद ना रहे, दूसरी बात जिस जीव को मैं जहां रखता हूं वहां खुशी से रहे, तीसरी बात क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जीव का भंडार देने के समय कुछ जीव आने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस समय उस परमात्मा ने जबान दिया था तुम चलो, तुम्हें कोई तकलीफ होगी तुम हमें याद करोगे, तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। तो वो काल को पता है, निरंजन को, तो उसने तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बतावें, आप सत्संग के जरिए खुलासा करके समझावें और जो भी जीव आपके ऊपर भरोसा करके आपके पास आवे उसको लेके जाओ, लेकिन रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बतावे। तो 3 वरदान उसने 64 चौकड़ी युग तपस्या करके परमात्मा से मांग के और उनको भी बांध दिया। तो कहते भाई इस तरह से रचना हो गई और ये जीव तब से ये शरीर के जिस शरीर में जब से आया, तो पहले इस शरीर के बारे में इसको चिंता हो गई, मेरा शरीर, कहते हैं रात दिन इसके बारे में इसको सोचना पड़ा और इस आत्मा के ऊपर एक बेड़ी चढ़ गई, ये शरीर के बंधन में कैद हो गया और निरंजन खुद मन रूप में आप अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया और इस तरह से कर्म करके जीव मलिन हो गया। क्योंकि ये जो तीन लोक का रचना है ये कर्म भूमि है, यहां कर्म प्रधान है। कहते कर्म प्रधान जगत कर राखा, जो जस करे तो तस्फल जाखा। उस काल कर्ता ने क्या किया, इन त्रिलोकीय सृष्टि में कर्म प्रधान रखा है, जो जैसे जैसे कर्म करेगा उसी कर्म के अधीन पे उसको आगे शरीर में आना होता है। तो ये हमारा आगे का शरीर जो है वो कर्मों के अधीन में है, इस तरह से ये जीव कैद हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, कहते हैं बधे तुम गाढ़े बंधन आए। महात्मा कहते हैं भाई ये देश तुम्हारा नहीं, ये काल और माया की नगरी है, ये त्रिगुणी नगरी है, इसके त्रिगुण रजो तमो सत्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन त्रिगुण और माया ने रचना किया है, ये तुम्हारी नगरी नहीं, तुम्हारा नगरी तो अनामी है, सतलोक सचखंड है, जहां आनंद ही आनंद है, दुख का नामो निशान नहीं, जहां सूरज और चांद नहीं, दिन और रात नहीं, काल और माया नहीं, कहते हैं जन्म और मरण नहीं, वो सच्चा सुख का धाम, जहां जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है, जिसमें अपना 16 सूर्य का प्रकाश चमकता है, वो नगरी, वो देश, वो अपना देश है, जहां दुख का नामो निशान नहीं। लेकिन ये आत्मा इस काल और माया के नगरी में आके मन का साथ पकड़ के, मन का साथ करके, मन के दायरे में कर्म करके ये मलिन हो गई, जीवात्मा बन गई, आत्मा भी नहीं जीवात्मा बन गई, अपने आप को भूल गई और ये 84 के जेल खाने में भटक रही।
तो महात्मा आके जागृत करते हैं, कहते हैं बधे तुम गाढ़े बंधन आए, तुम बहुत जबरदस्त बंधन में कैद हो गए हो। देखो भाई, ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये शरीर तुम्हारा स्थान नहीं है, और ये गांव देश तुम्हारा देश नहीं। तुम्हारा देश तो सतलोक सचखंड है, ये शरीर तो किराए का मकान है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। इसमें जो ताकत बोल रही है वो ताकत तुम हो, तुम आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है, वो परमात्मा है। जब तुम शरीर होते तो तुम्हारी दुनिया होती, लेकिन शरीर तो किराए का मकान है। किसी को 70-80 साल के लिए मिला, किसी को 100 साल के लिए मिला। जैसे अपने दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। तो महात्मा हमें जागृत करने के लिए अवतार लेके दुनिया में आते हैं, वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, बधे तुम गाढ़े बंधन आए। ये तो कहते हैं भाई, जब से आत्मा इस शरीर में आ गई, ये शरीर रूपी पिंजरे में उसका माया ने कैद कर दिया, तो इसको रात दिन इस शरीर के बारे में सोचने पड़ गई। तो कहते हैं कि एक इस मोह में हमारी आत्मा कैद हो गई, और शरीर में आने के कारण से हमारे कुटुंब परिवार के लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनका एक धर्म होता है, दूसरी शादी लेट भी नहीं होने देते, शादी कर देते हैं। घर में औरत आती है, इसका मोह और प्रेम उसका रूप बन जाता है, मेरी औरत। तो पहले तो एक शरीर की चिंता थी, अब दूसरी स्त्री की भी चिंता करनी पड़ गई, रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ गया। कहते हैं कि इस आत्मा के ऊपर दो बेड़ी चढ़ गई और दो होते ही तीसरे की आशा पैदा होती, भाई संतान लड़का। देखो अगर बरस दो बरस लेट हो जावे, कोई भी डॉक्टर और कोई भी महात्मा को नहीं छोड़ते, भाई लड़का चाहिए, संतान चाहिए। तो दो होते ही तीसरी की आशा पैदा होती, और लड़का पैदा हुआ तो उसके ऊपर एक मोह पैदा होता है, भाई मेरा लड़का है, और उसके बारे में रात दिन सोचना पड़ता है। तो एक तो शरीर के बारे में चिंता, ये मोह हमारी आत्मा के ऊपर आ गया आवरण, दूसरा स्त्री, तीसरा पुत्र। अगर लड़की पैदा हो जाए अभी से ही चिंता हो जाती है, भाई 7-8 लाख रुपए चाहिए, आज का जमाना बड़ा कठिन है बड़ा खर्चा आता है। तो ये क्या करते हैं, बचाने का चक्कर बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहानी बताया करता था, एक लड़का बड़ा अच्छा लड़का था, उसका बचपन से परमार्थ की तरफ ख्याल था, संस्कारी आत्मा थी, हमेशा बचपन से सत्संग में जाया करता था। तो बाद में उसका लगन और प्रेम प्यार देख के उसके माता पिता को घबराहट हुआ कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए। तो बाद में उन्होंने क्या किया, इधर उधर देख के कन्या इसकी शादी निश्चय कर दिया, और वो देखने के लिए लोग आए हुए थे। तो ये लड़का उनके खातिर बातिर में 2 दिन सत्संग नहीं गया, क्योंकि मेहमान घर में आए हुए हैं और उसकी खुद की शादी है। तो जब तीसरे दिन गया तो महात्मा पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तू 2 दिन सत्संग में नहीं आया? महाराज मेरी शादी निश्चय करने के लिए मेहमान आए हुए थे, मेरा शादी निश्चय हुआ और इसीलिए मैं उस कारोबार में लगा था, मैं नहीं आ सका। तो गए, तुम्हारी शादी निश्चय हो गई? बोले हाँ, अब तो गुरु के काम से गया। फिर 6 महीने में शादी थी, और जब शादी हो गई तो शादी के समय में वो बेचारा 3 दिन नहीं आया, उसी की शादी थी और प्रेमी आत्मा था। और जब शादी खत्म हुआ, तीसरे दिन हाजिर हुआ सत्संग में, तो महात्मा कहते हैं, बेटा क्या बात है, तो 3 दिन सत्संग में नहीं आया? खड़ा किया, कहता महाराज मेरी शादी थी, मेरी खुद की, मैं उस काम में लगा हुआ था, मैं कैसे आ सकता हूं? बोले तेरी शादी हो गई? बोले हाँ, अब तू माँ बाप के काम से गया। वो लड़का कुछ नहीं बोला, चला गया।
फिर 1.5 साल में लड़का पैदा हुआ तो उसका वारसा था नाम रखने का। आजकल तो हमारे कर्नाटका में भी वारसा माने नाम रखने के लिए शादी में जितना खर्च होता है उतना खर्च करते, बड़ा हॉल वाल हॉल बुकिंग करते हैं, बड़ा खर्चा करते तो कहते वो भी तो उसका नामकरण करना था और उसमें मेहमान आए हुए थे, उस काम में भी उसको 2 दिन आने को नहीं मिला क्योंकि उसके खुद लड़के की वारसा थी। तीसरे दिन जब वो हाजिर हुआ तो महात्मा पूछते हैं, क्यों बेटा क्या बात है, तू 2 दिन खड़ा किया सत्संग में नहीं आया? महाराज लड़का पैदा हुआ था, उसका नामकरण था, मेहमान आए हुए थे, उसके खातर बातर में लगा था, तो कैसे आ सकता हूं? लड़का पैदा हुआ, बोले हाँ अब तो तेरे काम से भी गया अब तो तेरे काम से भी गया। बोलता महाराज ये क्या बात है, जब मेरी शादी निश्चय हुई तो गुरु के काम से गए, बोले जब शादी हो गई तो माँ बाप के काम से गए, और जब लड़का पैदा हुआ तो तुम्हारे तेरे भी काम से तू गया, बोल के आप कहते हैं महाराज मेरे समझ में नहीं आया। कहते बेटा जब तक तेरा शादी निश्चय नहीं था तेरे को कोई चिंता नहीं थी, जो कुछ भी पैसा तेरे हाथ में आता था उसमें से कुछ ले जाके गुरु के सेवा में भी देता था और बाकी सब ले जाके माँ बाप के हाथ में रखता था, लेकिन जब शादी निश्चय हो गई तो शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा अब तो जमा करने का चक्कर लग गया, शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो गुरु की सेवा बंद हो गई। पैसा शादी के लिए पैसा चाहिए जो जमा करने लग गए तो गुरु की सेवा बंद हो गई, तो इसीलिए गुरु के काम से गया, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ले जाके माँ बाप के हाथ में तो रखता था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप कहाँ? कहते वो माँ बाप का प्रेम प्यार उसके ऊपर आ जाता है, स्त्री के ऊपर, ये माँ बाप के काम से गया गया काम से, तो कहते भाई वो प्रेम प्यार उस स्त्री के ऊपर आ जाता है, जो माँ बाप के प्रति प्रेम प्यार होता है वो स्त्री के ऊपर आ जाता है, तो ये माँ बाप के भी काम से चला गया। और जब तक लड़का पैदा नहीं हुआ था जो कुछ कमाता था अच्छी तरह से दोनों बना खा के आनंद में तो थे, लेकिन जब लड़का पैदा हुआ तो उसके बारे में सोचना पड़ गया, भाई लड़के को पढ़ाना है, कपड़ा चाहिए, बुक चाहिए, किताब चाहिए, स्कूल फीस चाहिए, और ये सब वो सब, तो बचाने का चक्कर लग गया, तो जो खाने पीने का आनंद था वो सब चला गया, इसलिए महात्मा कहते भाई तू तेरे काम से भी गया, अब बचाने का चक्कर बढ़ गया। कहते देखो बाल बच्चे वाले कहीं भी सत्संग में जाते हैं हरि कथा और कहीं रामायण और ऐसे वैसे भक्ति के होते हैं, वहां प्रसाद बांटा जाता है, जैसे ही हाथ में प्रसाद आते ही उनको लड़के का ख्याल आता है, वो खाने के बजाय जेब में डालते हैं कि भाई लड़कियों को दे है नहीं, तो कहते भाई इनका जो आनंद था खाने पीने का वो सब गया काम से, ये अपने काम से भी गया, रात दिन 3-4 कहते उसका चक्कर बढ़ गया बचाने का बचाने का बचाने का, तो जो खाने पीने का आनंद था वो भी गया। तो इसीलिए महात्मा कहते इस तरह से ये गृहस्थ गृहस्थ ग्रह के हाथ में हस्त ग्रसित हो गया, चारों तरफ से ग्रह ने इसको घेर लिया, कहते एक तो शरीर, दूसरा स्त्री, तीसरा पुत्र, पुत्र के बाद फिर कहते नातु, कहते हैं पहला बंधन देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र का, चौथा नाती मान, फिर नाती के कई नाती भाई इनका कौन ठिकाना कि नाती के नाती तो होते रहे, ये बेचारा चला बैकुंठ यात्रा 4 आदमी उठा के लेके गए। तो कहते भाई इस तरह से जीव इस धोखे में काल के धोखे में बड़ी बुरी तरह से फंस जाता है, और परिणाम क्या होता है इसका, पश्चाताप। कहते इसको हम अपना कर्म धर्म समझ के ही करते हैं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, रात दिन उसी की चिंता फिक्र से लग जाते हैं, क्या क्या नहीं कर जाते हैं एक कुटुंब परिवार के पालन के लिए, लेकिन परिणाम क्या होता है अंत समय जब सारे साज सामान और सारा कुटुंब परिवार छोड़ने की नौबत आती है, बड़ा दुख दर्द होता है, छटपटाता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई अंत पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सारा खेत चिड़िया के चुग जाने के बाद में
जाके सिर पीटो तो अनाज तो घर में नहीं आने वाला है। इसीलिए मरने के समय पश्चाताप कोई फायदा नहीं, जो कर्म बन गए सो बन गए, उसको भोगना ही पड़ता है, 84 के जेल खाने में भटकना ही पड़ता है। काल का कानून बड़ा कठिन है, बड़ा सख्त है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई देखो, तुम ये शरीर नहीं हो, ना आत्मा स्त्री है ना आत्मा पुरुष है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ये ज्योति और प्रकाश रूप है, ये परमात्मा का अंश है। हर एक आत्मा में अपना 16 सूर्य का प्रकाश है। ऐसी आत्मा इस काल और माया के जाल में आके शरीर रूपी पिंजरे में कैद होकर के मन का साथ पकड़ के कर्म करके जीवात्मा बनी बैठी है, मलिन हो चुकी है, 84 के जेल खाने में भटक रही, धक्का खा रही है, कपड़े और खाने की चिंता पड़ी हुई, जबकि दुनिया को देने वाली कुल मालिक है। महात्मा कहते भाई परमात्मा और कोई नहीं, तो आप खुद परमात्मा हो, लेकिन अपने आप को भूल करके आप अपने आप को शरीर समझे बैठे हो, इस दुनिया को अपना घर बनाए बैठे हो, इसीलिए आत्मा दुखी हो गई। महात्मा कहते भाई ये जो ये देश है ये काल और माया का देश है, और इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं तजो मन यह सुख दुख का धाम, लगो तुम अब सतनाम। कहते भाई ये सुख और दुख का धाम छोड़ो, क्योंकि इंसान कर्म करता है, पाप और पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है। अगर खाली पिछले जन्मों में पुण्य ही पुण्य किया होता तो स्वर्गों में होता है, खाली पाप ही पाप किया होता तो नरकों में होता है। पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है, और इसके कर्मों का चक्कर चलते रहता है, सुख दुख इसके जिंदगी में आते रहते हैं। ना कोई इस दुनिया में पूरा सुखी है, ना कोई इस दुनिया में पूरा दुखी है, वो चाहे राजा होवे या भिखारी। थोड़ा दिन सुख की श्वास आता है तो पीछे दुख मुसीबत भी आ जाती है, थोड़ा दिन दुख मुसीबत में बीता तो कुछ सुख की भी श्वास आ जाती है। ये हमारे कर्मों का चक्कर चलते ही रहता है, सुख दुख आते ही रहता है। क्या है, अपना बनाया हुआ कर्म, जिसका परिणाम जिसका हिसाब जीव बिचारा चुका रहा है, जो पीछे किया आज भोग रहा है, जो अब करेगा आगे भोगेगा। कर्म का चक्कर बड़ा कठिन है, इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे, ये तो काल का जाल है। जैसे शिकारी क्या करता है, पक्षी पकड़ने के लिए जाल डाल देता है, चारों कोने में खूंटा गाड़ के उस जाल को बांध देता है, बड़ी मजबूत रस्सी से बांध देता है, उसके ऊपर दाना डाल देता है, दाना के लालच में पक्षी आके बैठते हैं, एक को देख के दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, सब दाना खाने में मस्त हो जाते हैं। वो अहेरी माने बहेलिया बैठा होता है छिपके, रस्सी उसके हाथों में होती है, खींच लेता है, और इन सब के पैर फंस जाते हैं जाल में, तो सब उड़ना चाहते हैं लेकिन चारों तरफ खूंटा जबरदस्त गड़ा होता है, उड़ नहीं पाते हैं। और वो आके लकड़ी लेके मार मार के एक एक को पकड़ के कहते हैं पिंजरे में डालते जाता है, जो ज्यादा परेशान करता है उसके गर्दन में मरोड़ के झोली में भर लेते हैं, ले जाके अपना आहार बनाते हैं। कहते हैं ऐसे इस दुनिया में 100,000 जीव रोज उस काल के आहार है, क्योंकि सत्पुरुष का श्राप है काल को कि 100,000 जीव खा के तो रहे जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने जब माया को सत्पुरुष ने भेजा रचना करने के लिए तो माया को सुंदर देख के माने निरंजन ने उसको लिलग लिया, पेट में रख लिया, तो परमात्मा को बड़ा दुख हुआ, मैं तो उसको रचना करने के लिए भेजा, ये उसको ही खा के बैठा। तो दूसरे लड़के ज्ञानी को भेजा कि भाई जाओ और उसको मार के उसको बाहर निकालो। तो वही कबीर के रूप में आप आते हैं, और उनका इनका बड़ा वाद विवाद चलता है उस समय ज्ञानी, और वो जो है कि जब मारने से ही वो फिर वो निकालता है माया को बाहर, छोटा भाई है निकालता है। तब से वही सत्पुरुष ने श्राप दिया, तूने ऐसा काम किया है तू 100,000 जीव खा के ही तू जिंदा रहेगा, वही उसकी श्राप। तो लो 100,000 जीव रोज काल का आहार है, जिस समय काल जीवों को डाढ़ में चबाता है आंख से पानी गिरता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी जबान बंद कर दिया गया होता है, ये आत्मा किसी को कह भी नहीं सकता है।
बड़ा कठिन समय होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, देखो भाई ये नगरी ये दुख की नगरी है, इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला ना कभी मिलेगा। जो सच्चा सुख शांति है वो आपके धाम में है, वो उस नाम में है। इसलिए गुरु नानक भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कहते सारा संसार दुखी है, जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है, वही सुखी है जिसने उस नाम को अपना आधार बनाया। सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन गए, जिन्होंने उस नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है, जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है। वो चाहे राजा होवे या भिखारी, कोई न कोई दुख सबके पीछे पड़ा है, कोई सुखी नहीं। जब हम एक दूसरे से पूछते हैं भाई कुशल है, तो पहले तो कह देते हैं महाराज तुम्हारी कृपा से या तो परमात्मा की कृपा से सब कुशल है, लेकिन एक 10-15 मिनट बैठ जाओ तो पीछे दुख का पुराण चालू हो जाता है। अगर सारा दिन भी सुनो तो खत्म नहीं होता। क्यों भाई, जब ये शरीर में आए हैं सुख और शांति कहां? पाप पुण्य के ही कारण से मानव शरीर मिलता है, और अब पाप पुण्य का चक्कर चलना ही चलना है, दुख मुसीबत आना ही आना है, वो हटाने से नहीं हटता, चिंता करने से नहीं हटता। जो कर्म का प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ता है। राम जैसे महापुरुष को भी नहीं छोड़ा, जिनको हम पारब्रह्म के अवतार कहते हैं। देखो कबीर साहब ने लिखा है, कर्म गति टारे नाई टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सो देखे लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद भरी। कर्म गति टारे नाई टरी, कबीर साहब जी कहते भाई जो विधि का लिखा हुआ हटाने से नहीं हटता है। दशरथ तो अच्छा ख्याल किए थे रामचंद्र को सिंहासन पे बिठाने के लिए, त्रिकाल ज्ञानी अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाए, वो ब्रह्मा के लड़के थे वशिष्ठ, जिनकी तीसरी आंख खुली थी। ऐसे महात्मा ब्राह्मण ने वो उनका मुहूर्त समय निकाला, कल 11:20 का समय अच्छा है सिंहासन पे बिठाने के लिए। जो सिंहासन में बिठाने के लिए निकाला हुआ मुहूर्त समय वही जंगल में जाने का कारण बना। वो भी सीता और लक्ष्मण के साथ, और उसी समय में राजा दशरथ प्राण त्याग दिए। पिता मरने का एक दुख, सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में जाने का दूसरा दुख, और वहां भी जाकर के सुख में थे नहीं, जंगल में कितना दुख भोगते गए। बाद में एक बरस सीता को रावण उठा के लेके गया, और कहते हैं डेढ़ बरस सीता के वियोग में भी जंगल पहाड़ों में भी धक्के खाना पड़ा, रोते घूमना पड़ा। भाई क्यों? कर्म गति टारे नहीं टरी, जो विधि का लिखा वो हटाने से नहीं हटता है, चाहे पारब्रह्म होवे या भगवान ही होवे, जो शरीर में आएगा उसका ऋण चुकाना ही पड़ेगा। कर्म का कानून बड़ा कठिन है, जो भी शरीर में आएगा चुकाना ही पड़ेगा, चाहे महात्मा होवे चाहे मामूली इंसान होवे, विधि का लिखा भोगना ही पड़ता है। देखो गोरखनाथ जी योगा अभ्यास करके पूर्ण योगी योगेश्वर बन के देश संचार करते हुए आए। जब उज्जैन नगरी में आए तो राजा विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा राजा थे, अच्छा कमाई वाले महात्मा थे, उनकी भी रूह 6वें मंडल में पहुंची हुई थी, और योगराज 9वें मंडल पहुंचे, ब्रह्म में पहुंचे हुए योगेश्वर है। तो राजा ने सोचा अच्छा महात्मा, ये जाके उज्जैन में राज में एक मंदिर में अपना आसन लगाए हुए थे। जब राजा को पता लगा तो राजा ने संदेश भिजवा दिया कि कल 4 मैं आपके दर्शन मिलने के लिए आऊंगा, और गोरखनाथ ने मंजूरी दे दिया, वहां उनका सिंहासन लगाया गया। जब राजन आके बैठने के समय के पहले ही इनको 5 पहले ठंडी बुखार आ गई, इतना ठंडी लग रहा था कि कंबल ओढ़ के बैठना पड़ा गोरखनाथ को, कांप रहे थे, बुखार आ गया। और बाद में उन्होंने सोचा महात्मा का आने का समय हो गया और उनके सामने मैं इस तरह से कांपते बैठूं तो अच्छा नहीं, थोड़ा टाइम के लिए मैं अपना ठंडी बुखार इस कंबल को क्यों नहीं दे दूं, वो जाने के बाद फिर ले लेंगे।
तो अपना जो कंबल ओढ़ के बैठे थे उसको बगल में रख दिया, और अपना जो ठंडी बुखार था उन्होंने उस कंबल को दे दिया, भाई चलो 10 मिनट तक 15 मिनट तक तो इधर रहो, बाद में मैं फिर ले लूंगा। तो जब महात्मा आके बैठे, राजा आके बैठे, और महात्मा और राजा में संवाद होने लगा, परमार्थ की चर्चा होने लगी, तो राजा का दृष्टि जो है कि उस कंबल की तरफ गई, वो कंबल हिल रहा था। तो राजा देख के हंसे, कहते अरे महाराज उस कंबल के नीचे कोई खरगोश है क्या? कोई जानवर है क्या? क्यों कंबल हिल रहा है? तो योगेश्वर कहते हैं, महाराज हे राजन, आप जैसे महापुरुष आकर के हमारे साथ चर्चा करें, और उसी समय मुझे ठंडी बुखार आया हुआ था, तो और मैं कांपते बैठूं ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं मुझे ठंडी बुखार आया हुआ था 10-15 मिनट पहले से, तो इसीलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए अपना ठंडी बुखार उस कंबल को दे दिया है, इसलिए वो कंबल कांप रहा है, आप जाने के बाद फिर उसे हम अपने ऊपर ले लेंगे, और कोई जानवर नहीं उसमें। तो राजन हंस के कहते हैं कि महाराज जब आपको अपना ठंडी बुखार उस कंबल को देने की ताकत है तो उसको हटाई क्यों नहीं देते? तो योगेश्वर माने गोरखनाथ जी कहते हैं कि महाराज ठीक है मैं हटा सकता हूं, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार है, अगर हटा देता हूं कर्म बच जाएगा, और उस कर्म को भोगने के लिए आगे जन्म लेना पड़ेगा, क्यों नहीं थोड़े टाइम इस शरीर के ऊपर भोग लिया तो चला जाएगा, भोगना तो पड़ता है, तो क्यों नहीं उसको थोड़ा भोग लिया तो चला खत्म हो गया, अगर उसको हटा देते हैं तो कर्म बच जाता है, और उस कर्म को भोगने के लिए फिर आगे शरीर में आना पड़ता है, तो क्या जरूरत है फिर आने पैदा होने की, लेकिन भोगना है, प्रारब्ध कर्म भोग के ही खत्म करना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई प्रारब्ध जिसके आधार पर शरीर होता है उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे महात्मा होवे या मामूली इंसान होवे, लेकिन फर्क इतना है कि महात्मा हंसते हुए भोग लेते हैं और हम रोते हुए भोगते हैं, फर्क इतना ही है, लेकिन भोगना तो पड़ता है, क्योंकि उनकी रूह ऊपर जाती है महात्मा की, जब शरीर में दुख आता है अपनी रूह को ऊपर समेट लेते, शरीर में दुख रहे तो उनको कोई पता ही नहीं, तो इसलिए वो आनंद में भोग लेते, लेकिन हमारी रूह जब ऊपर नहीं जा पाती है तो शरीर में पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो हम रो के भोग लेते, उस दुखी होके भी भोग लेते हैं, लेकिन भोगना तो पड़ता है, कर्म का कानून बड़ा कठिन है जी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इसके अलावा और भी हमारे आत्मा के ऊपर बंधन और भी बढ़ जाता है, पहले कहते हैं शरीर का बंधन, दूसरा स्त्री, तीसरा पुत्र, चौथा नाती, और पांचवा कहते हैं धन दौलत, अगर वो भी हो तो उसके ऊपर हमारे ममता और मोह प्रकट हो जाता है, भाई मेरा धन है मेरा पैसा है, बैंक में है तो भी मोह पैदा होता है, रात दिन उसका चिंता करते आज इतना हो गया कल इतना हो जाएगा, माने उसके ऊपर एक मोह, वो भी एक बेड़ी, उसके विषय में सोचना पड़ता है, ममता पैदा मोह पैदा होता है, तो कहते हैं वो बेड़ी, और तीसरा बंगला, घर घर कहते हैं घर मकान और बंगला ये मेरा है, रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ता है, वो सातवां बेड़ी। और फिर अगर जमीन जायदाद है, खेती गृहस्थी है, उसके ऊपर भी हो जाता है मेरे इतने जमीन है इतना है वो मेरा है, उसके ऊपर ममता पैदा, वो आठवां बेड़ी। कहते जब एक जीव इतने बेड़ी बंधनों के अंदर कैद है तो वो बेचारा कैसे भजन कर सकता है, निकल सकता है? हम आंख बंद करके भजन बैठते हैं तो ये सारे हमारे सामने आके घूमने लग जाते हैं, भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मोह है उनके प्रति वो हमें तकलीफ देता है, वो सब आके हमारे सामने पिक्चर जैसे चालू हो जाते हैं, भजन तो एक तरफ रह जाता है, यही सारा पिक्चर चालू हो जाता है, हम नाम सुमरण भजन छोड़ देते हैं और इसी याद में मस्त हो जाते हैं।
तो कहते भाई इस तरह से हमारा टाइम वृथा चला जाता है, ये भजन नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई इनसे हमें अपना प्रेम प्यार हटाना पड़ता है। अगर हम उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं, वैराग्य के बगैर भक्ति नहीं होती है। भक्ति के लिए वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य का मतलब यह नहीं घर बार छोड़ना, पीला कपड़ा उद्राज पहनना, जंगल पहाड़ों में जाकर बैठना। कहते भाई वैराग्य तो मन के अंदर आना चाहिए, मन से राग हट जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मालिक तू ही चाहिए, और अपना प्रेम प्यार दुनिया से हट के सदगुरु के चरणों से जुड़ जाए और उसका दिया हुआ नाम सुमरण करते हुए दुनिया कारोबार करें, वही वैराग्य है। दुनिया से प्रेम प्यार हटा लेना और सदगुरु चरणों से जोड़ देना, गुरु का बन के दुनिया में रहना। भाई किस तरह से होता है? खाना खाते समय उसका सुमरण रहे, रास्ता चलते समय सुमरण रहे, काम पे जाते समय सुमरण रहे, काम करते समय सुमरण रहे, काम बन गया। भाई ऐसे ही महात्मा हुए जो लोगों ने अपने उस नाम से सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार किया, उसी के रात दिन याद में रहे, वही लोग महात्मा बने, परमात्मा से मिले। तो कहते हैं जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे हमारा मन माया में रमा हुआ है, दुनिया के रंग में रंगा है, अगर वही उस नाम के रंग में रंग जाए तो काम बन जाए, वही वैराग्य है। लेकिन बड़ा कठिन है, हम रात दिन दुनिया की चिंता फिक्र में इतना अमूल्य समय बर्बाद करके दुखी बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया के चिंतन से, दुनिया के सुमरण से दुख मुसीबत बीमारी बढ़ते ही जाते हैं। शांति का साधन तो मालिक का नाम है। महात्मा कहते भाई नाम से प्रेम प्यार करो, जो होना है वो अटल है, कर्म गति टारे नाई टरी, वो हटाने से नहीं हटता है, वो होना ही है, क्यों चिंता करता, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है। कहते धन को कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर धन मिलना होता तो गरीब होने की किस किस होते भाई, धन का सुमरण करके धनी बन जाते, नहीं होता है, जो विधि में लिखा वही मिलता है। महात्मा कहते भाई क्यों चिंता करते, उस नाम की चिंता करो, जिस चिंता के लिए परमात्मा ने आपको ऐसा सुंदर समय ये मानव शरीर देके भेजा है, ये नरनारायणी शरीर है। कबीर साहब ने कहा है पशु का हो तो पनैया नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते भाई जानवर मर जाता उसकी भी इज्जत है, कोई 10-20 रुपए देके उठा के लेके जाते हैं, लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बिगर चला जाता है, इसकी एक पैसे भी कीमत नहीं, क्योंकि इसका हड्डी चमड़ा भी काम में नहीं आते, ये जानवर से भी गया गुजरा। जानवर को 10-20 रुपए देके उठा के लेके जाते हैं क्योंकि हड्डी और चमड़ा काम में आता है, लेकिन इंसान का कुछ याद नहीं। कहते भाई अपने घर वाले लोग ही तकलीफ उठाते हैं, लेकिन महात्मा कहते नहीं भाई बड़ा कीमती हीरा है मानव शरीर है, ये नर नारायणी शरीर है। कहते हैं अगर इसमें कहीं कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाए, अंदर जाने का रास्ता तरीका बता दे और ये भी उसके ऊपर अमल करे, भजन करके अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। भाई तुकाराम अंदर जाके ही परमात्मा से मिले, महात्मा बन गए। विट्ठल ने ही रास्ता बताया, जब विसोबा खेचर के शरण में गए, उनकी रूह चढ़ाई कर गई, देखो महात्मा बन गए, उत्तर इंडिया की तरफ चले गए, पंजाब में जाके उन्होंने अपना आसन जमाया घुमान में, आज वहां पे समाधि मौजूद है। तो कहने का मतलब कि महात्मा हमें सच्चाई का होका देते हैं, वो ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके छिपके बैठ जाओ। कहते भाई दुनिया में रहो, सारा कारोबार करो, आपका लेन देन का हिसाब किताब है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। दुनिया का बन के करोगे धोखा खाओगे, ये काल का धोखेबाजी है, बड़ी विचित्र माया है, जो दिखाई देता है लेकिन है नहीं। बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि अरे महाराज हम देख रहे हैं उसमें खेल कूद रहे हैं, उसी कुटुंब परिवार में सब कुछ कर रहे हैं, आप कहते कुछ है नहीं। देखो भाई जब हम सो जाते हैं, हमारे जो है चेतन यहां आत्मा और मन की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, और नींद के समय में वो नीचे उतरता है, वो मन जो है नीचे उतरता है, जब कंठ स्थान में आते ही सपना चालू हो जाता है। मन जो है यहां
कंठ में आदिशक्ति का वास है और मन जो है आदिशक्ति के साथ मिलकर कुछ निर्माण करने लग जाता है, वही सपना है। और वहां से जब और कुछ नीचे उतरता है मन नींद में, जब हृदय स्थान में आ जाता है तो सुसुप्ति अवस्था घोर निद्रा, इसको कुछ भी पता नहीं होता है। वही घर मकान में पड़ा होता है, कुटुंब परिवार में पड़ा होता है और बाल बच्चे भी नहीं रहते हैं, कोई घर मकान भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, उसमें घोर निद्रा में पड़ा होता है मन। एक सुसुप्ति अवस्था में लय हो जाने से कुछ नहीं। और वही मन जब जागृत अवस्था में आके कंठ में आता है, सपना चालू हो जाता है और यहां आके सारा रूप बन जाता है, सारा अपना बना लेता है। तो भाई जो बंध और मोक्ष का कारण मन है, आत्मा नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। क्यों 84 की जेलखाने में भटक रही? मन का साथ पकड़ के। आत्मा और मन के गांठ बंध गई है, ये करोड़ों जन्मों की दोस्ती हो गई, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और मन जो है कर्म करा रहा है और उस कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए साथ साथ आत्मा को भटकना पड़ रहा है। अगर ये साथ मन का छोड़ दे, इसको इस दुनिया में लाने वाली कोई ताकत नहीं। लेकिन बड़ा जबरदस्त गांठ बंध गई, दोस्ती हो गई। देखो महात्मा हमारे भले की कहते हैं, हम महात्मा के नहीं सुनते, मन के सुनते। वही हमारा महात्मा है, वही हमारा गुरु है। इतनी जबरदस्त दोस्ती हो गई। बार बार संत हमारे भले की कहते हैं और जो कुछ भी कहते हैं, हमें इस दुनिया में दुखी देख करके, रात दिन दुनिया का चिंता करके, दुनिया में दुखी देख के ही संत महात्मा हमें कुछ आनंद और सुख पाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन मन करने नहीं देता है। कहते भाई नाम के रंग में रंगो, नाम के रूप होकर के दुनिया कारोबार करो, काम बन जाएगा, लेकिन मन ही नहीं करने देता है। आप नाम का सुमरण करके देखो, मन आपको करने देता है। आप जाके अंधेरी कोठरी में बैठ जाओ भजन सुमरण के लिए, मन आके सामने खड़ा हो जाएगा कुश्ती लड़ने के लिए। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, त्रिलोकी का मालिक है। कहते भाई भजन करने से पता लगता है मन क्या चीज है। हम मन के दायरे में बैठे हैं, मन के दायरे में काम कर रहे हैं, मन के दायरे में चल रहे हैं, तो मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज, हमें क्या पता लगे। भजन बैठो दो चार दिन, कमरा बंद करके देखो मन क्या चीज है, उस समय पता चलता है आपको। चार दिन नहीं, चार घंटा भी बैठने नहीं देगा, उड़ा के ले जाएगा। बहुत जबरदस्त ताकत है, त्रिलोकी का मालिक है, तीनों लोगों के ऊपर इसका अधिकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। कहते सब मन के अंडर में है ये त्रिलोकी, ब्रह्म से आया हुआ है, ये कोई नीचे से का नहीं, ब्रह्म से आया हुआ है। सबके ऊपर मन का अधिकार है, ये बड़ा जबरदस्त ताकत है। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई जो संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसको कहो करो, मन का कहना मत मानो। मन का कहना मानोगे ये कभी तुम्हें भक्ति करके अंदर जाने नहीं देगा, तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देगा। हमेशा दुनिया के झूठे चिंतन में, झूठे कामों में लगा के आपका इतना अमूल समय, एक एक श्वास जो तीन लोग से भी कीमती है, बर्बाद कर देगा। अंत समय पश्चाताप का कारण बना दे मनी जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई 7-8 रस्सी से जीव बिचारा बंध गया, इसके ऊपर 7-8 बेड़ी चढ़ गई है, अब ये इसका छुटकारा कैसे होवे? जो इतने बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है वो कैसे निकले? इसलिए महात्मा एक सरल उपाय बताते हैं भाई, सुमरण, नाम का सुमरण। अगर ये कहीं नाम से प्रेम प्यार कर ले, नाम का रूप हो जाए, तो जरूर इससे छुटकारा मिल जाएगा। यही रास्ता है इससे निकलने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहते देखो वाल्मीकि जैसे पापी भी नाम का सुमरण करके महात्मा बन गए,
नारद ने उन्हें नाम दिया, वो भी रामा रामा का, रामा रामा का जाप दिया। रामा रामा का जाप उनके जबान से भी नहीं निकलता था, मारा मारा निकलता था। पाप इतने बढ़ गए थे, इतना कत्ल खून किया था कि उसके जबान से रामा रामा भी नहीं। नारद कहता भाई रामा रामा का नाम जप, तेरा पाप कट जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। रामा रामा नहीं, मारा मारा निकलता है, मारा मारा ही निकलता है। वो हमेशा मारा था और वही मारा मारा जाता था। तो बाद में नारद परेशान हो गए, कितने दफा भी बुलाए, रामा रामा नहीं मारा मारा ही आता है। परेशान हो, कहते भाई चल जप, वही जप। कहते भाई मंत्र क्या चीज है, गुरु का वाक्य ही मंत्र है, ताकत मंत्र में नहीं गुरु में होता है। तो कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, सारी दुनिया को पता है उसने उल्टा नाम जपा, मारा मारा, लेकिन फिर ब्रह्म ऋषि बन गए। उसकी रूह चढ़ाई कर गई, उसकी तीसरी आंख खुल गई, समाधि में मस्त हो गए। दीमक ने अपना घर बना लिया। देखो 10,000 साल के बाद में नारद सोचते हैं उस बेचारे की क्या हालत हो गई, हम तो बिठा के आए। जाके देखते हैं तो वहां पे दीमक ने अपना डिब्बा बना लिया था, बाबी बाद में सांप उसमें रहते थे और ये उसके अंदर बैठा मारा मारा कर जाप कर रहा है। तो देख के तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं, कान लगा के सुनते हैं तो अंदर से मारा मारा का जाप आ रहा है, वो इसमें है। तो उसको तोड़ के उसको बाहर निकाले तो देखते हैं समाधि मस्त है, इसको अपने शरीर का कोई होश ही नहीं, रूह जो है शरीर खाली करके ऊपर आ गई समाधि में, सुन्न हो गई। दीमक ने अपना घर बना लिया। तो जब उठा के नारद कहते भाई तेरे को जो ज्ञान पैदा हुआ तेरे साथ ही चला गया तो क्या फायदा है, उसे चार आदमी को फायदा तो होने दे। तब उसने रामायण लिखा नारद के हुक्म से, अपने गुरुदेव के हुक्म से रामायण लिखा, वो भी संस्कृत में, जबकि स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था उसने। भाई सारे ज्ञान का भंडार आपके अंदर है, आप अंदर आ जाओ सारा ज्ञान आपको अपने आप मिल जाएगा, सारे किताब ज्ञान के खुल जाएंगे, सब कुछ आपके अंदर, उस प्रभु परमात्मा आपके पिता ने आपके लिए अंदर रखा है। तो कहते वो महात्मा बन गया। भाई कैसे, सुमरण करके नाम का। तो नाम बड़ी ऊंची चीज है, इसीलिए तो हमारे महाराज भी भजन में लिखे हैं, गण का अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। उस नाम ने कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर दिया है, हमारे आप जैसे इंसान की क्या बात है। आप उसका जाप करके दे देखो, जो संतों ने नाम दिया है बड़ी ऊंची चीज है, उसमें बहुत ताकत है। जो सारी दुनिया को बनाया है वो नाम आपको दिया है, जिसको गुरु नानक कहते हैं कि वो नाम शब्दे, कहते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्ट शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाचे। कहते जिस शब्द ने सारी दुनिया को रचा है वही शब्द तुम्हारे 10वें दरवाजे में दुनकार दे रहा है, जिस आधार पे दुनिया चल रही है वही शब्द तुम्हारे 10वें दरवाजे में और तुम्हारे आत्मा को आधार दे रहा है। कहते उसको पकड़ कर लो तुम्हारा काम बन गया। जहां से वो आया वो सीधा लेके जाता है, वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पे गाड़ी दौड़ाते जाओ, कहां जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। वही सब जुड़े होते हैं एक से। ये दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जुड़ा होता है नेशनल। तो कहते भाई एक तरफ से दौड़ाते जाओ एक तरफ से उस तरफ पहुंच जाओगे। ऐसे ही वो जो धारा है वो शब्द अनामी से सतलोक आकर के और वहां से आके 10वें दरवाजे में टिका हुआ है, अगर वो प्रकट हो गया आपका काम बन गया। शब्द ही गुरु, वो सीधा लेके जाएगा, संतों ने उसी शब्द से आपको जोड़ा है और वही सच्चा गुरु है। ये शरीर तो आपको समझाने के लिए संतों ने धारण किया है, आपको बताने के लिए समझाने के लिए, लेकिन संतों का वास्तविक रूप शब्द ही होता है, जो ना कभी मरता है ना कभी जीता है, कहते वो कभी नाश भी नहीं होता है। तो संत अमर होते हैं, ये चोला तो समय संदर्भ में उसको फेंक के जाना ही पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा अमर होती है जो शब्द से जुड़ गए, जो सतलोक पहुंच गए। तो वही महात्मा कहते हैं कि इस तरह से
कहते भाई ये जो आपका ये समय बहुत कीमती है, महात्मा कहते भाई इसका उपयोग कर लो, ऐसा समय पहले नहीं मिला, आपको कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिला। मानव शरीर तो लाखों टाइम मिला होगा, राजा महाराजा भी आप बने होंगे, लेकिन सदगुरु नहीं मिला। अगर पहले ही मिला होता तो हम अनामी होते, सतलोक में होते, आज यहां नहीं पड़े होते। अब ऐसा समय मिल गया कि मानव शरीर का समय भी मिला और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से सदगुरु मिल गए। कहते जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा निबड़ा, लेखा जोखा खत्म हो गया। भाई अब अपनी फिक्र करो, पराया फिक्र नहीं। सबको वो मालिक जिसको भी दुनिया में भेजता है उसका सारा व्यवस्था करके दुनिया में भेजता है। सब अपना अपना प्रारब्ध से आप खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता है, कोई किसी को नहीं देता है। ये तो हमारा भ्रम है, मैं कहते भाई मैं ही ये दुनिया के बंधन में बांध के रखा है। कहते भाई करने कराने वाला वो है, करे करावे आपे आप, सब वो करता है। इंसान खुद अपने आप अहंकार के नशे में चूर होके इस दुनिया के बंधन में बंध के दुखी बन जाता है। महात्मा कहते कुछ नहीं, कहते अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मुलुकायों कहे सबको दाता राम। कहते भाई अजगर बहुत बड़ा प्राणी होता है, सांप होता है, पहाड़ जैसा है, बिल्डिंग से भी इससे भी मोटा मोटा होता है। हाथी को भी खींच लिया तो हाथी भी पेट में उसके आ जाता है, हवा उसके श्वास में इतनी ताकत होती है, एक फरलांग के आगे जाने वाले जानवर को भी खींच ले तो उसके पेट में आ जाते हैं, और खाली एक पलटे लिया तो सब पाउडर बन जाते हैं, सब पिघल जाते हैं, इतनी गर्मी होती है उसके अंदर। तो कहते हैं वो इतना बड़ा प्राणी को भी परमात्मा भोजन दे रहा है, जो एक पहाड़ जैसे उम्र में चल फिर नहीं सकता है, पड़ा रहता है, उसका भी परमात्मा पेट भर रहा है। और कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, वो कहीं मिल फैक्ट्री में नहीं जाता है भाई काम करने के लिए, खाने के लिए, लेकिन मालिक उसका भी पेट भरता है। और पंछी करे ना काम, पंछी भी देखो कहीं किसी की मजदूरी करने के लिए नहीं जाते, सवेरे उपवास उठते हैं, उनको ये भी पता नहीं किस तरफ जावे और हमारा पेट भरेगा, लेकिन सब तरफ उड़ के जाते हैं, देखो जगह जगह चले जाते हैं। वो परमात्मा कितना दयाल है, शाम तक सबका पेट भर के सुलाता है, कभी वो कहता है कि मैंने किया सबको कहते भाई देने वाला वो मालिक है। अगर ये चीज हम समझ ले तो हमारा काम बन गया। कहते भाई तू तो इसीलिए कहते भाई इस तरह से सबको कहते अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मुलोकायों कहे सबको दाता राम। सबको देने वाला वो परमात्मा है, कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, उसका प्रारब्ध उसका कराता है। सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, उस प्रारब्ध के अनुसार उसको यहां मिलना होता है। देखो एक कुटुंब में 10 आदमी होते हैं, 10 का प्रारब्ध एक जैसा नहीं होता है, नामालूम किसके प्रारब्ध से कुटुंब परिवार अच्छी तरह से चलता होता है, सबके प्रारब्ध एक जैसे नहीं होते। अगर वही अलग अलग हो जाते हैं तो सबका प्रारब्ध अलग अलग हो जाता है, तो एक बेचारा दुखी हो जाता है, एक सुखी रहता है, एक बाप के 10 बच्चे 10 तरह के बन जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो कहते भाई सबका प्रारब्ध, अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब को जीव बेचारा चुकाने के लिए लाचार है। तो महात्मा कहते भाई देने वाला तो मालिक है, हम अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही हमें यहां मिलता है, कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन जीव के अंदर अहंकार के भाई मैं और यही अहंकार हमें दुखी बना देता है, और दुनिया में 84 के जेल खाने में जाने का कारण ममकार अहंकार ही है। जी स्वामी जी महाराज सारा देते हैं कि भाई इतने बंधन में जब तुम फंस गए हो तो इससे छुटकारा कैसे होवे। मरे बिन तुम छुटो नहीं, कहते हैं कि मरने के बगैर इससे छुटकारा होने वाला ही नहीं मरने के समय ऑटोमेटिक सारा बंधन टूट जाता है। हाँ अगर उसके पहले छुटकारा हुए, संतों की कृपा हो जाए
गुरु की कृपा हो जाए, क्योंकि मैंने, हालांकि मैं बॉम्बे में ही सत्संग मिला, मैं भाग गया बेंगलुरु। खाली डेढ़ दो महीना सत्संग सुन के मेरे अंदर वैराग्य पैदा हुआ, क्योंकि मैं इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकाला। सत्संग सुन के बाबा सोमनाथ महाराज जी के सत्संग मिला वर्ली नाका में। मैंने सुन के रात दिन उसी का मनन किया, सत्संग सुनना और सारा दिन और सारा रात उसी विचार में रहना। मिल में काम करते थे, जुबली मिल सिवड़ी में। पेंटिंग मशीन के ऊपर काम करते थे, कलर बना के देते थे। हम एक बरस काम भी किए थे, लेकिन जब हम रात दिन सत्संग के ख्याल में रहने लग गए तो हमारे अंदर विरह पैदा हो गया। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, हमें यहां से दुनिया छुड़ा के गुरु के पास कौन सी ताकत ले गई? सत्संग। डेढ़ साल रात दिन सत्संग की याद में रहना, सत्संग की याद में रहना, किसी से ना बात ना किसी से चीत। अगर कोई पूछता है तो सत्संग के बारे में ही बताना। बोलते थे पागल हो गया। तो देखो, बाबा जी को देखा भी नहीं था, डेढ़ महीना इस तरह से रात दिन सत्संग की याद में रहने से और विरह पैदा हो गई। जहां देखते हैं बाबा जी खड़े नजर आते थे, पेंटिंग मशीन के ऊपर देखते थे तो बाबा जी नजर आते थे, किसी को देखते थे तो बाबा जी नजर आते थे, विरह पैदा हो गई। एक दिन एक बरस जैसे बीतने लग गया और मैंने एक प्रेमी सत्संगी से एड्रेस लेके भाग गए बेंगलुरु। भाई कौन सी चीज हमें लेके गए सत्संग? अब गुरु के पास गए, बाबा जी के चरणों में मत्था टेका, बहुत विरह था। जनवरी 15 तारीख को हम वहां पहुंचे थे। आश्रम में ठंडी का समय था और जाके बाबा जी के चरणों में मत्था टेका। 10 मिनट तक हमें अपने शरीर के कोई सुध नहीं, मैं अपना माने बेहोश हो गया, बाबा जी उठा रहे हमें, कोई होश नहीं। और 10 मिनट के बाद में जब रूह नीचे उतरी तब अरे मैं ऐसे ही पड़ा है, उठ के बैठ गया, बाबा जी के पैर चरणों में ही पड़ गया था। को होश ही नहीं, इतनी विरह। तो बाबा जी कहते क्या सेवा करना है या तो दर्शन करके जाना है? महाराज कुछ दिन सेवा करना। अच्छा ठीक है, इनको कमरा दो। पूछा सब बताया तो कमरा दिए, मैं सेवा में लग गया। बाबा जी ने हमें नाइट ड्यूटी भी दिया, पहरा, रात भर पहरा करना, घूमना सुमरन करते हुए। 4 महीने के बाद में नामदान मिला, 4 महीना सेवा करने के बाद में नाम मिला हमको। जनवरी में गए, अप्रैल भंडारे में नाम मिला। फिर सेवा में नाइट ड्यूटी दिया बाबा जी ने, तो पहरा करते करते सुमरन करते पहरा करते थे, उससे और विरह पैदा हो गए। तो 1.5 बरस तक मैंने अपने घर वालों को लेटर नहीं लिखा, लेटर लिखेंगे कोई पकड़ के लेके जाएगा। तो बाद में 1.5 बरस के बाद जब लेटर लिखे तो लेटर पे लेटर आने लग गया, एक बार आके जाओ, एक बार आके जाओ। मैं ही बड़ा लड़का, नौकरी छोड़ के भाग गया था। तो बाद में लेटर पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग घूमने लग गया। देखो कहते ना, जैसी होवे संगत वैसी आवे रंगत। इतना दिन गुरु की संगत थी, अब लेटर की संगत बढ़ गई। महीने में 4-4 लेटर, और पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग खराब होने लग गया। महीने में 4-4 लेटर आवे, तो बाद में मैं 2-3 महीने के बाद में मेरा भी दिमाग घूमने लग गया। मैं सोचा पैसा कमाना, फिर मिल में काम करना, पैसा कमाना, ये सारा ख्याल आने लग गया। तो बाबा जी का बम्बई प्रोग्राम था सोमनाथ महाराज जी का, तो मैंने उनके चरणों में विनंती किया, महाराज आप बॉम्बे जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, वहीं पे हमारे माँ बाप रहते हैं, उनसे मिलके फिर आपके साथ आ जाऊंगा। तो महाराज हंसे, क्योंकि उनको कुछ और काम लेना था। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें, तुम यहाँ पे नहीं जानते हो कि महाराज नहीं है, चोरी होने का डर होता है, और तुम नाइट ड्यूटी अच्छा करते हो, हम भी गए और आप तुम भी गया तो यहाँ चोरी हो गया तो कौन संभालेगा, तुम ड्यूटी अच्छा करो, मैं आने के बाद तुम्हें भेज दूंगा। प्रसाद दिया, चले गए। बाबा जी के सामने बोलने में डर लगता था, चले गए। तो मैंने सोचा ठीक है। तो बाद में 20 दिन के बाद बाबा जी लौटे बॉम्बे और दावणगिरी प्रोग्राम करके, तो सोचा अभी जाते ही पूछेंगे तो महाराज गुस्सा करेंगे, थोड़ा दिन छोड़ के पूछेंगे, तो इस तरह से आज पूछेंगे कल पूछेंगे। और 2 दफा सेवादारों को दर्शन देते थे सुबह शाम महाराज जी, स्पेशल दर्शन।
लेकिन फिर भी हिम्मत ना पड़े, महाराज जी के पास जावे पूछेंगे बोल के जाते थे, पूछने का हिम्मत ही ना पड़े, दर्शन करके नीचे उतर आवे। डेढ़ महीना बीत गया, इतना डरते थे। तो एक दिन हिम्मत करके खड़े हो गए महाराज जी के सामने, डेढ़ महीने के बाद। तो बाबा जी हंसे, कहते क्या बात है, महाराज आपने कहा था ना आने के बाद भेज देंगे बोल। डेढ़ महीने के बाद में। तो महाराज हंस के कहते हैं, क्या नौकरी करने का ख्याल है? हाँ महाराज, थोड़ा दिन करना पड़ेगा। मैंने सच कहा, क्योंकि मेरा ख्याल बदल गया था। हाँ महाराज, थोड़ा दिन करना पड़ेगा। तो बोले, अरे 400-600 की कोई नौकरी होती है? बाबा ने ऐसा कहा और मेरे ऊपर ऐसे एक दया दृष्टि डाली, ऐसा कहा तो मेरे होश हवास ही उड़ गए। उनकी एक दया दृष्टि ऐसी पड़ी, कहते ना ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कहते मेरा मोह का बंधन जो था मेरे अंदर, कि मेरा भी कोई घर मकान है, मेरे भी कोई परिवार है, मुझे भी पैसा कमाना, मिल में काम करना, ये सारे ख्यालात जो थे ये हवा में उड़ गए। और तब से आज तक सपने में भी ख्याल नहीं आया। कहते भाई एक गुरु की मौज हो जाए, दया हो जाए तो जीव, कहते भाई क्यों नहीं उसका काम बनेगा। कहते गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। कहते उसकी मौज में है, संतों के अंदर वो ताकत होती है, एक लकड़ी के पुतले से भी सत्संग करा सकते हैं, सत्संग करने कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उनकी मौज में। तो इस तरह से एक बार दया, डेढ़ साल के, डेढ़ वर्ष सेवा के बाद में जो बाबा सोमनाथ महाराज ने, उनकी एक दया दृष्टि ने मेरी काया पलट दिया। फिर सपने में भी मेरा ख्याल नहीं आया। आज तक भी वो लोग हमारे माँ बाप आके हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें कभी ख्याल नहीं आता कि ये हमारे हैं। तो कहते संगत के अंदर जो प्रेम प्यार है अपने कुटुंब परिवार के अंदर नहीं। मैं कभी अपने गांव देश की तरफ भी गया नहीं। कहते मैं आंध्रा में पड़ा हुआ हूं। भाई क्यों पड़ा रहता हूं? क्योंकि कोई मोह नहीं, ये उनकी ताकत है। और बाबा अजय सिंह महाराज ने दूसरी दया किया, जब मैं 86 में उनके चरणों में आया, उन्होंने वो अपनी दया मेहर करके हमें पौना घंटा तक समझाया, बेटा तुम्हें आंध्रा में ही रहना है, तुम्हें सत्संग करना है, बाबा सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसे पानी देना है, तुम्हारा काम है। मैं बाबा सोमनाथ महाराज जी के हुक्म से कहता हूं, बार बार बाबा जी ने की। मैं रोते रहा, मेरा पीछे जाने का कोई ख्याल ही नहीं था, मैं बनारस जाना चाहता था, बाबा जी कहते आंध्रा में रहना है। बड़ी गजब परीक्षा, पौना घंटा तक समझाए, बेटा सब कुछ गुरु करता है, तू जा। मैंने फिर उनका हुक्म सरोधार किया और लास्ट में भी आधा घंटा उन्होंने कह के समझा के भेजा, मैं मान गया, गया आंध्रा में जाके। तब बाद में मैंने चिंता किया, क्योंकि जब मरने दम तक आंध्रा में रहना गुरु का हुक्म, तो भाई कोई ना कोई एक ठिकाना तो होना चाहिए चाय पानी के लिए। क्योंकि मागन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन ते मरना भला सदगुरु की सीख, मांगना से तो मरना अच्छा है। तो बाद में हम जमीन ढूंढने लग गए कि जब संत का हुक्म हो गया आप तो आंध्र छोड़ के जाना नहीं। तो हम इधर उधर घूमने लग गए, तो उनकी ही मौज से 10 एकड़ जमीन भी मिल गया, बहुत सस्ते 15,000 में, जंगल में। तो हमने वही छोटा सा कमरा बनाया, और उसी से बढ़ते बढ़ते बाबा जी फिर दया करने लग गए। अजय सिंह महाराज हर बरस में जो संगत सेवा देती थी, लास्ट में ऊपर बुलाते थे कमरे में, अकेला रहते थे महाराज जी जाने के दिन, और सारा पैसा उलट देते थे, बर्द बैठ ठप्पी लगा। मुझे डर लगता था महाराज जी के सामने। तो मैं 10-10, 5-5 का थप्पी लगाता था, महाराज 100-100, 500 की थप्पी लगाते थे रबड़ डाल के, और सब बैग में भर के कहते थे ले जा, किसी को बताना नहीं, संगत की सेवा में खर्चा करे, जो भी देता है संगत की सेवा में। इस तरह से बाबा जी के पैसे से वो आश्रम बना। तो संत कितने दयाल होते हैं, कितने ही होते हैं, और उनके दया मेहर आज भी, वो चले गए हैं महाराज जी, कहते हैं सोमनाथ महाराज जी का समागम खाली 3 ही साल मिला, लेकिन अजय सिंह महाराज जी की दया मेहर 10 साल मिला। उन्होंने कितना दया किया जिसका कोई बयान नहीं, रूहानियत से लेके और दुनिया के धन दौलत तक कोई कमी नहीं छोड़ी, और आज भी दे रहे।
लास्ट प्रोग्राम में दिल्ली में बाबा जी ने कहा था बेटा पैसा चाहिए, मैंने बोला महाराज पैसा नहीं चाहिए, आपकी दया चाहिए, मैं एक बरस भजन बैठना चाहता हूँ। बोलते नहीं बेटा सत्संग बंद मत कर क्योंकि बाबा जी को जाना था। और आज भी उनका वही वाक्य है, आज भी हम काम चालू करते हैं चाहे 2 लाख 4 लाख का भी काम हो, लेकिन जब हम अलमारी खोलते हैं अलमारी में पैसा हाजिर है, कौन दे रहा है? वो देता है। इसीलिए कहते भाई गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। हम खाली अलमारी खुला करते हैं पैसा पड़ा रहता है, कौन देता है? गुरु देता है। गुरु से बड़ा कोई दाद देने वाला नहीं, आप गुरु के तो बनो। हमने क्या छोटा सा हुक्म माना, आंध्रा में जाके बैठे बाबा जी का हुक्म मान के, उन्होंने सब तरह से मेरा मदद किया। बताओ मैं उन हस्तियों को मैं कैसे बोल सकता हूं जिन्होंने एक बेटे से भी बड़ा प्रेम प्यार दिया, मैं अपने जिंदगी में कभी बुला नहीं सकता हूं। और उन्हीं की ये दया मेहर है आज जो आपके सामने संत मत का बयान कर रहा हूं, ये मैं नहीं करता हूं, ये उनकी ताकत है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई गुरु की मौज में सब कुछ, गुरु की कृपा मौज में सब कुछ है, जिसे चाहे करे गुरुमुख। एक पापी मलिन आत्मा को भी गुरुमुख बना सकता है, कर सकता है, उसके कुछ संस्कार अच्छे होते हैं, कुछ जो है कि कुछ कारणों से वो जो है बिछुड़ गया होता है और ऐसा हो जाता है तो संत उसे जरूर रास्ते पे लाते हैं अपने दया मेहर करके, और उसको ये कर उसका रास्ता खुला कर देते हैं। तो इसीलिए कहते भाई अगर गुरु की मौज हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कहते भाई प्रयत्न तो हमारे हाथ में है, प्रयत्न तो करना हमारा धर्म है, मौज करना संतों का काम है। प्रयत्न तो है, प्रयत्न करना चाहिए, बाकी और कोई आशा नहीं, तो गुरु की दया जरूर मिलती है जी। तो वही स्वामी जी महाराज आप इशारा देते हैं कि भाई जो संत महात्मा हमारे भले के लिए कहते हैं हम नहीं मानते हैं, फिर भी मन के दायरे में कर्म करते जाते हैं, यही कारण से जीव दुखी बन जाता है और फिर 84 के जेल खाने में भटकता है, भूत प्रेत और पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़ों के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में, ये दुखी बन जाता है आत्मा। भाई एक मानव शरीर ही ऐसा है, ये नर नारायणी शरीर है, एक नर से नारायण बनने का रास्ता है, समय है, इसमें हम काम कर सकते हैं, बाकी शरीर में तो नहीं। अब हम पेड़ बन के खड़े हो गए क्या भक्ति करेंगे, कीड़े मकोड़े बन के आ गए तो क्या भक्ति करेंगे, पशु पक्षी बन के आ गए तो क्या भक्ति करेंगे? कहते नहीं भाई, उस भक्ति का अगर कोई दरवाजा है तो मानव शरीर है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, करोड़ जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। संत ऐसे नहीं मिल जाते, कहते हैं कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते भाई धन दौलत अच्छे बाल बच्चे ये तो पापियों के भी होते हैं, ये सारी चीजें होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है, वही भाग्यशाली है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके सदगुरु मिल गए, संतों का समागम मिल गया। कहते उनका आना जाना खत्म हो गया, वो जीव जरूर सतलोक सचखंड पहुंचेंगे, वही भाग्यशाली है। कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दो दुर्लभ चीज है दुनिया में, धन दौलत दुर्लभ नहीं है, पैसा भी कमा लेती है, उनके पास भी पैसा बहुत होता है, धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ नक्सलेट होते हैं आंध्रा में, बंदूक दिखा के लाखों लाखों किस्ती हमारे आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी लोग हैं, करोड़पति होते हैं वो, हैदराबाद में भी बिल्डिंग रहता है, बेंगलुरु में भी बिल्डिंग रहता है, उनके पास 20-25 टाटा सुमा भी होती है, बड़े गैंग होते हैं वो, भाग्यशाली, उनके अच्छे बाल बच्चे भी होते हैं,
वो भाग्यशाली है। अरे भाई क्या करा है परिणाम कर्म को भोगने के लिए ना मालूम कितने जन्म नरकों में सड़ना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। कहते वो भाग्य दुनिया का सामान होने से कोई भाग्यशाली नहीं। कहते भाग्यशाली वही जीव हैं कि ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके संतों का शरण समागम मिल जाए, वही भाग्यशाली है। फिर उसका आना जाना खत्म हो गया, वो 84 से निकल जाता है जीव। एक बार सदगुरु का समागम मिल गया, जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं बढ़ा, उनका आना जाना खत्म हो गया, वही भाग्यशाली है, उनका इस शरीर में आना सार्थक हो गया जी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते भाई तुम तो यह जग सच कर माना, कहते तुमने इस दुनिया को सच समझा और अपना प्रेम प्यार इसी के अंदर लगा दिया, इसका परिणाम तुमने नहीं सोचा क्या होना है भाई, नरकों में जाना, यमदूतों के मार खाने, बड़े दुख भोगना पड़ता है, दुनिया दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके ही। वो हमें वहां पे मारते हैं यमदूत, भाई जो सामान तुम्हें 4 दिन के लिए दिया गया उसको तुमने अपना कैसे बना लिया, तुम्हें तो 4 दिन के लिए दिया गया था, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमने अपना कैसे बना लिया। वो चप्पल मारते हैं, डंडे मारते हैं, तकलीफ देते हैं भाई, क्यों? दुनिया से प्रेम प्यार करके, दुनिया के सामान को जो 4 दिन के लिए दिया गया था उसको अपना बना के। ये इंसान दुखी, आत्मा दुखी हो जाता है और नरकों में जाके इसको डंडे खाने पड़ते हैं। तो महात्मा कहते भाई, कहते भाई ये हालत है कि जिस चीज को हम अपना बना करके आज उसका परिणाम क्या होता है आगे, घोर दुख मुसीबत और 84 का जेल खाना, नरकों में दुख भोगने के बाद में 84 का जेल खाना, आगे दुख के समुद्र में आत्मा पड़ जाती है कि भाई दुनिया का प्रेम प्यार करके, दुनिया के सामान को अपना बना के। महात्मा कहते भाई अगर तुम्हारा कोई है तो एक सदगुरु, दूसरा परमात्मा, तीसरा कोई नहीं, ये तो लेन देन का हिसाब किताब है, चिड़ियों का रैन बसेरा है, किसी का लेना किसी को देना, ऐसे लोग आत्माएं पिछले जन्मों के वो एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं और जिस दिन लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चल देते हैं, कोई कुछ कह के भी नहीं जाता है, ऐसे लोग ही हैं, ये अपने नहीं, ये तो आपको कर्जा दिए हुए लोग हैं, वसूल करने के लिए आए हुए हैं, पिछले जन्मों में दिए होते हैं, वसूल करने के लिए आते हैं, हम उनको अपना बना के दुखी हो जाते हैं, भाई बेटा हमारा बात सुनता नहीं, बेटे की बड़ी आस लगाए बैठते हैं बुढ़ापे में सेवा करेगा और वही बेटा माँ बाप से अलग हो जाता है शादी होते ही। अलग हो जाता है और तरह तरह के दुख भी देता है और ये सोचते हैं कि हमारा बेटा ऐसा हो गया, भाई हमारा ही होता तो क्यों होता है ऐसा, आप आने के समय ना आज तक कोई तुम्हारे साथ आया, जाने के समय ना तुम्हारे साथ कोई जाएगा, तो कौन तुम्हारा है, तुमने बनाया है 4 दिन के लिए, अरे भाई तुम्हारा कौन है जो आज भी तुम्हारा साथ देता है, मरने के समय भी तुम्हारे साथ आता है, मरने के बाद में भी तुम्हारे साथ रहता है, सदगुरु, और दूसरा वो परमपिता परमात्मा जिससे बिछुड़ के जब से आत्मा आई है दुनिया में दुखी है, 84 के जेल खाने में भटक रहे, दुख भोग रहे, और जिससे मिल करके ये आत्मा